अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट जो करने लगी हूँ, बेकिंग से कर रही हूँ। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि आज जो है कोई स्टार्टिंग में ऐसी ये क्या चीज़ बन रही है। तो इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बनाने थे ये, तो इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो क्योंकि मैं कैमरे की तरफ फोकस करती या मैं अपनी रेसिपी की तरफ फोकस करती, तो जस्ट इतना शेयर करूँगी कि मैंने 4 to 5 टाइप्स के जो हैं वो कपकेक्स बनाए थे, क्योंकि मुझे जो थे ये लेके जाने थे और हम लोग जा रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने 2 डेज़ के हॉलीडेज़ पे जाना था, आयरलैंड के अंदर ही जा रहे थे, लेकिन ये था कि थोड़ा विज़िट करना था। राउंड बुक किया हुआ था हम लोगों ने रहने के लिए, और हमने सोचा था कि हम जो है वो थोड़ा खाने पीने का भी सामान लेके जाएंगे। तो ये मैं उसके लिए कपकेक बना रही हूँ। तो ये मैंने जो है चॉकलेट कपकेक बनाए थे, रेड वेलवेट कपकेक बनाए थे, प्लेन वलीना कपकेक बनाए थे, और इसके बाद ओरियो वाले जो थे वो बनाए थे। तो इस तरह 4 to 5 जो थे मैंने ये कपकेक्स बना के, और तकरीबन मैंने ये 6 6 8 8 इस तरह बनाए थे। और बनाने के बाद मैंने उनको कूल डाउन होने के लिए रख दिया, और इंशाल्लाह जो है मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को रेसिपी अगर देखनी है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़े के बने थे। तो अभी जो थी वो मैं बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही थी, और बटर क्रीम जो है ये फ्रॉस्टिंग जो है ये इसका ये हिसाब है कि मैंने एक बनाई थी और बनाने के बाद मैंने उसको पोर्शन में डिवाइड कर लिया था। और लेकिन जो है रेड वेलवेट केक उसकी डिफरेंट होती है, तो मैंने वो डिफरेंट बनाई थी, वो सेपरेट बनाई थी। तो वो मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले बना के रख ली थी, तो वो ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो इसके अलावा मैं बना रही हूँ किंडर बाइनो कपकेक्स, इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी, और इसके बाद तक मैं इसमें ओरियो कुकी जो है उसकी फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी, और रेड वेलवेट केक चीज़ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाऊँगी, और इसके अलावा मैं इसमें वनीला जो है वो फ्रॉस्टिंग बनाऊंगी। तो ये थी जी इसके फाइनल लुक, और इसको जो है हम बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि ले जाने में इजी रहेगा। और ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार थे। बच्चों ने बहुत पसंद किए थे, इवन बच्चे क्या बड़े बड़े भी बहुत शौक से इसको पसंद कर रहे थे। तो ये देखें, ये इतने खूबसूरत से, और ये जो मैंने वनीला वाले के ऊपर जो मैंने डिफरेंट कलर की जो इस तरह मैंने जो फ्रॉस्टिंग की है, ये जो मैंने इसकी बटर क्रीम लगाई है, ये भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे लगाया है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहेंगे तब। और हम लोग निकल पड़े थे अपने हॉलीडेज़ के लिए, और जब हम घर से जब हम लोग हॉलीडेज़ की तैयारी कर रहे थे और घर पे थे, तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हॉलीडे प्लान कर लिए, तो इतनी ज़ोरों शोर से बारिशें स्टार्ट हो गई, और जो हम लोगों का आउटडोर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अपना प्लान करेंगे या हम फिरेंगे, वो सारा जो है वो धरे का धरा रह गया। लेकिन फिर भी ये तो अब चलता है, क्या कर सकते हैं। तो बस हम लोग अभी जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जितना दिखा सकती हूँ उतना तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये बारिश होके हटी थी, और ये देखेंगे कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। तो बस अभी हम लोग जो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, तो ये वो जगह है जो हम लोगों ने बुक की हुई थी। ये बेसिकली एक कॉटेज है, और हम लोगों ने ये बुक किया था ताकि हम लोग जो है इजीली यहाँ पे रह सकें, और हम लोग अपना खाना पीना जो है वो यहाँ पे आराम से जो हम लोगों ने बनाना है वो बना सकें, और जो भी हम लोग को, क्योंकि बच्चे होंगे साथ, और फिर बहुत मुश्किल होता है अगर आप लोगों ने 2-3 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि जो है वो खाना पीना, स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया होता है, तो बस थोड़ा बहुत घर से ले जाते हैं, और बाकी हम लोग वहाँ पर उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी, तो बस जो पकाना था बस वहीं पर पकाएँ, आराम से खाएँ और आराम सुकून से रहें। तो ये इतनी खूबसूरत यहाँ पर ये सामने उन्होंने झील सी बनी हुई थी, तो ये वाली वो जगह है, मैं आप लोगों को अंदर से भी ज़रूर दिखाऊंगी। ज़्यादा मैं वीडियो इस घर की इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि कुछ फैमिली प्राइवेसी भी थी, क्योंकि हम लोग, तो मैंने सोचा कि बस आप लोगों को घर का एक छोटा सा टूर करवा देती हूँ कि ये घर था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था। तो ये इस तरह बेडरूम्स बने हुए थे, अच्छे साफ़ सुथरा घर था, साफ़ सुथरे बेडरूम्स थे, और उन्होंने हम लोगों के आने से पहले जो थी वो सफाई वगैरह करके हमें कीज़ दी थी, और साथ में ये एक टॉयलेट डाउनस्टेयर्स था, और ये छोटा सा सिटिंग रूम बनाया हुआ था, किचन में था, किचन में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था। और ये फ्रंट की लुक थी, ये अपस्टेयर्स की तरफ है, तो अपस्टेयर्स जो था वो इस तरह बेडरूम्स बने हुए थे,
और साथ में अपस्टेयर्स भी टॉयलेट था, ऊपर भी उन्होंने टॉयलेट की फैसिलिटी दी हुई थी, शावर की फैसिलिटी भी थी और किचन में बर्तन वगैरह हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन क्योंकि हम लोग तो घर से अपना सारा कुछ भी लेके आए हुए थे तो हम लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन बेसिकली बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा कॉटेज था जहाँ पे 2 दिन रहना जो था वो अच्छा सुकून से था। लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल यहाँ पे हम लोग को आई है ना कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ख़राब था। तो लेकिन ये है कि अगर आप हॉलीडे पे आए हुए हैं तो आपने फ़ोन थोड़ी लेके बैठना है, तो बस यही सोचा है कि चलो कोई नहीं, अगर हॉलीडे पे आए हैं तो फ़ोन को नहीं देखेंगे इतना। लेकिन इन 2 दिनों में पता लगा कि फ़ोन के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है हम बाहर निकले थे और मेरी बेटी जो है वो उसको बहुत पसंद आया, वो मुझे लेके जा रही है कि वो उसको दिखाने के लिए कि ये पीछे क्या क्या जगह बनी हुई है। बेसिकली एक नहीं था, ये 3-4 कॉटेज बने हुए थे और जहाँ हम रह रहे थे उसके साथ ही एक फैमिली और भी रह रही थी कॉटेज में। तो ऐसा बहुत खूबसूरत सा ये उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। तो फिर हम लोग खाना शाना खाया हम लोगों ने और सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ है विज़िट करने के लिए। और फिर हम लोग निकले थे और थोड़ा बहुत हम लोगों ने विज़िट किया, थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पे शॉपिंग सेंटर था उधर चले गए। प्रॉब्लम ये थी कि जितनी दफ़ा भी बाहर निकले हैं और 5-7 मिनट जो था ये 10 मिनट वेदर बहुत अच्छा था, धूप निकली होती थी और उसके बाद एकदम से ज़ोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती थी। और ये वाला वीकेंड जो था ये ऐसे ही गुजरा, ये देखें अभी इतनी अच्छी धूप निकल आई है और थोड़ी देर बाद जो है वो फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने अभी यहाँ से जो है वो शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो वो शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का हम लोगों ने प्लान करना था कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने किधर जाना था। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लेती हूँ कि कुछ अगर बच्चों की मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि सब बड़े बच्चे जो थे उनकी थी, मेरे छोटा बेटा उसके लिए कुछ इतनी खास मुझे मिली नहीं थी। तो लेकिन ये कि सेल अच्छी लगी हुई थी, स्पेशली जेंट्स के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे सेल थी। तो बस हस्बैंड ने अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली और फिर उसके बाद हम लोग जो थे वो घर की तरफ वापस आ गए थे क्योंकि शाम हो गई थी और हम लोग वैसे ही लेट वहाँ पे पहुँचे थे। फिर खाना वगैरह खाया और उसके बाद सामान वगैरह रखा और सेटल होके अपने कमरे वगैरह डिसाइड करने के बाद जब हम लोग फिर यहाँ पे आए तो उसके बाद शाम हो गई थी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है और नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे एक खेवन में पार्क है, ये हिस्टोरिकल पार्क था, तो हम लोग सोचा कि हम वहाँ पे होके आते हैं। तो वहाँ के लिए हम निकल गए और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा भी साफ़ सुथरा मौसम है। लेकिन जैसे ही हम पार्क के बिल्कुल क्लोज़ पहुँचे हैं क्योंकि वो सब कुछ आउटडोर था, तो हम लोग अभी पार्क के पास पहुँचे हैं तो बहुत ज़ोरों शोर से बारिश स्टार्ट हो गई है। हाफ़ एन आवर आवर तक हम लोगों ने वेट किया कि बारिश अगर स्टॉप होती है तो फिर हम लोग जो है वो पार्क के अंदर जाते हैं क्योंकि आउटडोर है, बाहर फिरना कितनी देर बारिश में भीग सकते हैं और बच्चे जब साथ हों तो फिर एडवेंचर जो है वो महंगा भी पड़ सकता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जो है उससे आगे फिर आते हैं, तो हम लोग बस उसके आगे निकल गए। फिर ज़्यादा मेनली जो था वो हम लोग रोड पे ही रहे हैं कि हम लोग रोड पे फिर के बस हम लोगों ने टाइम स्पेंड कर लिया। और जगह तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन सिर्फ वेदर जो था वो हमारे हक में नहीं था क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं था। और ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है और अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत सी जो है वो दुनिया बनाई है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रुके इसलिए नहीं थे क्योंकि मेन रोड के ऊपर थे और वो जगह जो थी वो काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ना था, तो इसलिए हम लोगों ने बस जाते जाते नहीं, मैंने थोड़ी सी हम वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस हम लोगों ने सोचा कि वापसी पे रुकेंगे लेकिन वापसी पे क्योंकि हम लोग लेट रुक चुके थे तो इसलिए हम लोगों ने उसको फिर स्किप कर दिया कि फिर कभी सही। और ये हम लोग जा रहे थे और बादल इतने ज़्यादा आए हुए थे और इस तरह लग रहे थे क्योंकि माउंटेन्स वगैरह थे और माउंटेन देखने में इस तरह लग रहा था कि जैसे माउंटेन जो है वो बहुत पास हैं लेकिन क्योंकि बहुत ऊंचाई पे थे और उनके ऊपर बादल ऐसे लग रहे थे कि जैसे पहाड़ों के ऊपर ही बादल जो हैं वो बिल्कुल बिछे हुए हैं। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से भी बल्कि यही बात कर रही थी कि ये देखो कि इस तरह लग रहा है कि जैसे ना पहाड़ के ऊपर सारे बादल आए हुए हैं, लेकिन अगर हम ये पहाड़ की चोटी पे भी जाएंगे तो स्टिल बादल तो बहुत ऊपर है ना, लेकिन वो दिखने में दूर से ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे पहाड़ और बादल एक ही होते हैं। तो बहुत खूबसूरत इस तरह लग रहे थे। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे हम लोगों को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ जगहों पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देखने से ही जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इंसान का जो दिल है ना वो होता है कि हम लोग राज़ी किसी भी हाल में नहीं होते हैं, हम लोगों को लगता है कि भाई ये भी कम है ये भी थोड़ा है, लेकिन अगर हम लोगों को कुछ चीज़ अच्छी दिखने में मिल रही है तो वो भी हम लोग के मूड को जो है
बहुत अच्छा कर देती है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ अच्छी चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई अच्छी बात सुन लेते हैं, कोई अच्छी जगह पे हो आते हैं, तो हम लोगों का जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो बस यही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ कि हम लोग प्लान कुछ करके गए थे, लेकिन बारिश ने जो था वो इतना अच्छा हम लोगों के प्लान को नहीं करने दिया, क्योंकि बहुत देर बाद हम लोगों ने प्लान किया था। मुझे तकरीबन जब से मैं आयरलैंड में आई हूँ बहुत अरसे बाद जो है ये हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि हम कहीं जाके रुकेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे 2-3 दिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि मुश्किल यही हो गई कि बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया, उससे पहले वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन उससे पहले मेरे हस्बैंड बिज़ी थे क्योंकि उनके काम की सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं उन दिनों में जा सकते थे, और जिन दिनों में वो फ्री हुए हैं उन दिनों में बारिशें स्टार्ट हो गई। पार्क है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये हिस्टोरिकल पार्क है और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत 300-400, 400-500 साल पुरानी हैं, और स्टोन्स इसमें इतने पुराने पुराने लगे हुए हैं, और ये इतना अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन क्योंकि ये जो पार्क्स होते हैं ना यहाँ पे वो बिल्कुल जंगल की तरह ही हैं, तो अगर किसी को ये वाली चीज़ें अच्छी लगती है ना तो उसको तो पसंद आएगा। और ये इस वाली जिस जगह पे हम आए हैं ना यहाँ पे, तो जैसे पाकिस्तान में बहुत हड़प्पा था और इस तरह की जगह थी, वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी कब्रें थी, और इसी तरह ही यहाँ पे भी बहुत पुरानी पुरानी कब्रें थीं। बेसिकली उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ पे आप ना जाएं, इसको ना टच करें क्योंकि यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे नहीं करें। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग खड़े थे, हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि बारिश स्टॉप हो और उसके बाद हम लोग बाहर निकलें। तो ये कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ये देखें, ये जितने भी स्टोन यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ये सारे स्टोन जो हैं ये बहुत पुराने हैं। ये वाला 500 साल पुराना है, इसके अगला जो है वो वाला उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि वो 700 साल पुराना है, 7 मिलियन ईयर्स अगो, ओल्ड इतना है। और ये वाला जो है, ये वाला स्टोन जो है ये उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि ये 400 साल पुराना है। ये उन्होंने नाम भी लिखे हुए थे स्टोन के, और इस तरह ये वाला जो स्टोन है ये उन्होंने लिख के लगाया था कि 350 साल पुराना है। तो इस तरह के हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें दिखने में भी खूबसूरत लगती हैं और इंटरेस्ट की बात होती है, अगर इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है तो उनको तो शायद ये चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब भी जब थी ना तो मुझे बड़ा शौक होता था, हम लोग सारे इकट्ठे होके हड़प्पा जाते थे और हम लोग इस तरह जो जो इस तरह की हिस्टोरिकल जगह होती थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था वहाँ जाने में भी। तो बेसिकली मैं शुरू से ही बड़ी घूमने फिरने की शौकीन थी कि मुझे बस घूमने फिरने के लिए कहीं भी ले जाओ, मैं बड़ी खुशी खुशी चले जाती थी। तो ये देख लें, ये पीछे सारे पहाड़ बने हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ मैं अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकती, आँख देखने वाली जो आँख होती है उससे देखना और कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सारी बातें प्रोफेशनल तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ जितना भी हो सकता है। और ये सारा, ये दिखने में ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारा जो है ये ऐसे ही ग्रीनरी बनी हुई है, लेकिन ये हम बहुत हाइट पे थे और ये सब कुछ बहुत नीचे था, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको जूम इन करके भी दिखा दूँ, लेकिन फिर भी वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। और ये वाले मैं पहाड़ों की बात कर रही हूँ कि जैसे पहाड़ है और इसके ऊपर ये देखें आप बादल, इसी तरह ही लग रहे हैं कि जैसे पहाड़ के ऊपर ही बादल बने हुए हैं, ऐसे बिछे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे, और बादल ऐसे भी लग रहे हैं कि जैसे बादल हरकत में आई हैं सारे ना, तो ये इतने खूबसूरत लग रहे थे ऐसे। बस अल्लाह ताला की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, और हम लोगों को बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की नियमतें जो हैं ये हम देख सकते। तो बस उसके बाद फिर से दोबारा थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए आ गए थे, और ये जो है ये यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे मेन शॉप में नज़र आऊँगी, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे अपने लिए तो कुछ भी बाय नहीं करना था, और मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने लिए बस देख रहे थे और उनको कुछ ना कुछ पसंद आ रहा था और वो ले रहे थे। और मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं बहुत कम अगर कहीं पे निकलती हूँ, अगर मैं डिसाइड करके जाती हूँ कि मुझे कुछ लेना है तो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद आई या मैंने कुछ नहीं लेना होता तो चाहे मैं जितनी मर्ज़ी शॉप्स में फेर लूँ मैं अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदती। मुझे मोस्टली यही होता है कि मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ या अगर मैं जिधर भी जाऊँ ना तो मैं किड सेक्शन में जाके घुस जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है कि तुम्हें हमेशा सबसे पहले बच्चों का ही ख्याल आता है कि मैं बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ।
और बस फिर हम लोग जो था ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। नेक्स्ट डे हम लोग जैसे हम लोगों ने घर वापस आना था, तो रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये एक पार्क था और हम लोग लाफ की और हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे ये भी बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा बना हुआ था, और उस दिन दिन भी बहुत अच्छा था। शुक्र अल्लाह का कि इतनी बारिश नहीं हुई थी। और हम लोग यही रास्ते में डिसाइड भी कर रहे थे कि अगर बारिश हो गई ना तो फिर हम लोगों को लगता है ऐसे ही घर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन फिर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पे ये पार्क में वापस आ गए। और अभी इतनी ठंड भी होने शुरू हो गई थी कि हम लोगों को जैकेट्स भी पहननी पड़ी रही। बेसिकली ठंड की वजह से जैकेट्स इतनी नहीं डालनी जितनी बारिश की वजह से डालनी थी, कि ताकि कपड़े जो हैं वो बचे रहें। तो हम लोगों ने रेन कोट्स वगैरह डाले हुए थे। और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये है, बहुत प्यारा बनाया हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि हम लोग इसकी एक राइड लेके आते हैं बोट्स वगैरह की, तो क्योंकि लेकिन ये था कि मौसम अच्छा नहीं था, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं फिर कभी सही या अगले साल समर में जब शदीद गर्मी स्टार्ट होगी दोबारा फिर, तो तब देखेंगे और तब आ जाएंगे। अभी मौसम इतना अच्छा नहीं है तो वो लोग नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, सेफ नहीं। आज का जो व्लॉग है आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं एक ही व्लॉग में सब कुछ कवर करना चाहती थी, आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि जो मेरे 2 दिन के हॉलीडेज़ थे मैंने उनको कैसे गुजारा, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा बना लेती हूँ, लेकिन एक में ही सारा कुछ फिनिश कर देती हूँ। तो क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं इसका पार्ट 1 बनाऊँ या पार्ट 2 बनाऊँ, और कोशिश यही की कि छोटे 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 जितने भी क्लिपिंग्स थे वो सारे एक ही वीडियो में ऐड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये बड़ा खूबसूरत सा एक हम लोग को सीन देखने में मिला था कि ये इस तरह उन्होंने क्लाइंबिंग के लिए बनाया हुआ था, एक ट्री से दूसरे ट्री तक। और यहाँ पे बहुत पुराने पुराने दरख्त थे, पता नहीं 300 300 400 400 500 500 पता नहीं कितने कितने साल पुराने दरख्त थे। और बूढ़े सा बूढ़ा दरख्त जो है हम लोग को यहाँ देखने को मिला है, लेकिन बड़ी अच्छी और मज़बूत कंडीशन में था। तो लोग बड़ा पसंद करते हैं ये चीज़ें देखने के लिए। और ये जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं ना, ये इन्होंने ऑनलाइन बुक किया हुआ था, ये वहाँ पे जाके नहीं करना पड़ता, ये बुकिंग की होती है। और फिर ये इस तरह आते हैं जो कई हैं अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, और बच्चे जो हैं यहाँ पे सीखते हैं। और कई बच्चे इतने प्रोफेशनल मैं देख के हैरान थी कि वो इतने आराम से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर इस तरह आराम आराम से जा रहे थे। उन्होंने हम लोगों को एक मैप दिया था कि इस मैप के थ्रू जो है वो आप लोग सारा एक राउंड लगा के आएंगे, तकरीबन घंटे की वॉक है। और हम लोग गुम हो गए इसके अंदर ना, और उसके बाद फिर हम लोग बहुत हंसे क्योंकि हम लोग एक जगह से निकल के फिर दोबारा घूम के हम वहीं पे आ गए थे। और हम लोग बाद में इतना हंसे कि हम पिछले 45 मिनट से हम चल रहे हैं और हम लोगों को लगा कि हम बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन हम घूम फिर के फिर उसी जगह पर आ गए। तो फिर हम लोगों ने यू टर्न मारा और फिर हम लोग बाहर निकले दोबारा। तो इस तरह का कुछ फ़न सा हम लोगों के साथ हुआ था, लेकिन मज़े की था, मज़े की सिचुएशन बनी थी। और ये वाले जो दरख्त हैं मैं बात जिनका आपको बता रही हूँ कि इतने इतने पुराने हैं, ये इतनी मज़बूत कंडीशन में है, लेकिन ये है कि ये बहुत पुराने और बहुत ऊंचे हैं, बहुत बहुत ऊंचे दरख्त थे। और ये दिखने में शायद इतने ऊंचे नहीं लग रहे, लेकिन ये बहुत ऊंचे जो थे ये दरख्त बने हुए थे। और साफ़ सुथरी कुछ जगह से साफ़ सुथरा था और कुछ जगह पे कोई बारिश हो रही थी, लेकिन इन दरख्तों के नीचे चलते हुए हम लोग को ज़रा नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही है। और हम लोग आराम से जो था वो गुजर रहे थे, ये देखेंगे इतने इतने ऊंचे बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज थे ना, कुछ कुछ वो एहसास हम लोग को लग रहे थे कि हम ऐसे ही जगहों पे फिर रहे हैं।
तो बस आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक का था, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये मेरी 2 दिन की जो वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी क्लिपिंग जो है वो शेयर कर दूं, और आप लोगों को भी मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें आप लोग। और इसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।